So, हमने अभी तक जो डिस्कस किया यहाँ पे एक डब्ल्यू के ढूंढने ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डाउन आया, पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना है, एक रेड का इंतजार करना है। जो यहाँ पे रेड आया, इस रेड के हाई के ऊपर बाई करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 का आपका जो टारगेट है। और इस 1:2 को अलोंग विथ RSI 3 हम अगर यूज करेंगे तो इसको 1:3 1:4 में भी लेके जा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद और एक देखते हैं जो मैं यहाँ पे देखो क्या हुआ। बैक टू बैक रेड कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल पे बाई नहीं करना, 1 2 3 पूरा का पूरा ग्रीन बराबर। उसके बाद रेड कैंडल आया, जैसे रेड कैंडल आया आपको हाई के ऊपर बाइंग के लिए तैयार रहे। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा मार्केट, उसके बाद हमारा क्लोज हो चुका। ये क्रूड ऑयल का मार्केट रात को 11:30 को क्लोज हो जाता है। इसी का जो आपका आप अगर इसका जो डॉलर पार्ट में देखोगे, ये तो रुपी वाला है, डॉलर पार्ट में क्या हुआ उसको देखते हैं। ये वाला चार्ट था, बैक टू बैक कितना शार्प फॉल, फिर ग्रीन कैंडल, पहले ग्रीन पे हमें बाई दादा, नहीं आपने करना। ये डॉलर से, ये रुपीज से आपने इसको डॉलर में कैसे चेंज किया? हाँ, यहाँ पे मेरा ये क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल जो MCX में ट्रेड होता है, ये वाला क्रूड ऑयल का है, MCX वाला। आप अगर यहाँ पे देखोगे इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये MCX का है, ये यूके ऑयल है, यूके ऑयल, ये डॉलर वाला जो ग्लोबली ट्रेड होता है, यूके ऑयल है, ब्रेंट क्रूड है और आपका WTI है क्रूड ऑयल्स, तो वहां पर भी वो है क्रूड ऑयल पे। ये हमारा हमारा जो क्रूड ऑयल MCX है ये 11:30 को क्लोज हो चुका है। अभी अगर इसके रेड के हाई के ऊपर हम बाई करते तो कैसे मिलता, ये हमें देखने के लिए हम जो डॉलर वाला पार्ट है जो मीन्स मिडनाइट तक चला US मार्केट में, कहाँ तक चला, कितना बजे, 2:25 यानी 2:30 अर्ली मॉर्निंग तक चला, क्या ये ट्रेड होता। आप देखो रेड आया, फिर पहले ग्रीन पे बाई नहीं कर, चाहे वो एक ग्रीन हो या ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन, हमें इंतजार रहेगा एक रेड का। ये रेड के हाई के ऊपर हमें बाइंग के लिए बंदूक टाने रखता है, बाई किया एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये रेड के नीचे नहीं, ये स्विंग लो के नीचे एंड आपका 1:2। यानी हमारा इंडियन मार्केट में तो ये 11:30 का क्लोज हो चुका, लेकिन और कल मंडे को जब खुलेगा तो गैप अप खुलेगा, क्योंकि डॉलर US मार्केट में ऑलरेडी डॉलर टर्म्स में ये चल चुका है, तो यहाँ पे इतना ऊपर जाके खुलेगा। सो ये एक्सपेक्टेशंस था। अभी हम देखते हैं, ये हमने ट्रेड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखो ये आवर्ली चार्ट है, आवर्ली क्रूड ऑयल मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ये रेड ये ग्रीन, ग्रीन के लो के नीचे आपको सेल करना है। और इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉफिट वाला दिखाऊंगा, लॉस वाला नहीं दिखाऊंगा, तो आपके पास एक गलत इंप्रेशन आएगा कि ये इसमें 100% ट्रेड देता है, नहीं देता। ऑलवेज आपका अगर जो भी सिस्टम है 60-70-80%, अगर 70-75% भी अगर करेक्ट होता है, बाकी 20-30% आपका लॉसेस जाता है, देन ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज इवन 50-50 ट्रेड, यानी आप 10 ट्रेड लेते हो, 5 ट्रेड सही जाता है और 5 ट्रेड गलत जाता है, तब भी आपका प्रॉफिट रह सकता है, प्रोवाइडेड रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया हो। आप लॉस करने के टाइम में 1 रुपया लॉस करते हो और प्रॉफिट करने के टाइम में 3 रुपया 5 रुपया प्रॉफिट करते हो, इन सच ए केस इट्स ए रियली ग्रेट वन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये रेड कैंडल, इसके लो के नीचे बेचना है, मैंने बेचा, लेकिन मैंने क्या किया,
इसका स्टॉप रखा नहीं था ड्यू टू एक्स वाई जेड। एक्चुअली आई वाज ट्रेवलिंग बिजी उस टाइम, तो मेरा ये स्टॉप बच गया। उसके बाद धीरे धीरे ढह करके नीचे आया मेरा प्रॉफिट। लेकिन बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप स्टॉप लॉस मत रखो, ये बाय मिस्टेक कभी कभी गलती से प्रॉफिट हो जाता है। लॉस होने के जगह पे प्रॉफिट हो गया मेरा ये। उसके बाद 30 मिनट्स में देखते हैं, जी प्राइस देखो कितना नीचे आया। नीचे आने के बाद ग्रीन बाय नहीं करना, फिर नीचे आ गया, फिर ग्रीन, यहाँ पर भी बाय नहीं करना हमें, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेप मीन्स एंड एंड ऑफ द डे सेशन इसके लिए। उसके बाद रेड आके रेड के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग लेना है। यानी ये जो रेड है इसके हाई के ऊपर आपको लॉन्ग लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे 1:2 का गया, बाद में गया, सेम डे पे नहीं गया, तो सब्सिक्वेंटली आप उसको हाफ वे में क्लोज कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स। यहाँ पे देखो जो ग्रीन, पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना है, वो एक ग्रीन के जगह पे 2-5 ग्रीन भी हो सकते। फिर आप देखो यहाँ पे इस लेवल तक आया। जैसे आया पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना, हमें इंतजार है एक रेड का, इस रेड के हाई के ऊपर हमें बाई करना है। ठीक है, बाई करना है लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट। यहाँ पे एक पहले वाले दिन यहाँ पे क्लोज दिया था, फिर गैप अप ओपन दिया, रेड पहला रेड, फिर ग्रीन। हालांकि ये दो कैंडल्स है बट गैप अप हुआ, उसके लिए जस्ट हम देख रहे थे कि प्राइस एक्शन कैसा होगा, इसके लो के नीचे हम सेल करने के लिए तैयार हो सकते थे। हालांकि ये आपका 4 कैंडल नहीं है, लेकिन आया नहीं इसके लो के नीचे, फिर रेड नहीं, फिर दो बैक टू बैक ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन। यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली डब एम नहीं आया, इट्स अ डिफरेंट सेटअप, सो आई विल इग्नोर दिस, आई विल नॉट डिस्कस, नहीं तो आपका कॉन्फ्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लासिकल है, क्लासिकल आपका एग्जाम्पल से डब्ल्यू का, इतना शार्प फॉल के बाद पहले ग्रीन पे बाई नहीं कर, यानी पहले पुल बैक पे बाई नहीं कर, चाहे वो एक कैंडल, 1 कैंडल ग्रीन कैंडल हो या 2 ग्रीन कैंडल हो या मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स। उसके बाद रेड को आने देना है, देयर आफ्टर जब इस रेड के हाई के ऊपर तोड़ेगा आपका लॉन्ग स्टार्ट। आप देखो कि क्रूड ऑयल पे मैं 30 मिनट्स में ले रहा हूँ क्योंकि ये 16 आवर्स का। वन मोर थिंग आईड लाइक टू डिस्कस, ये कमोडिटी है जो 15-16 घंटा का ट्रेड होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में लूँ। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे करना है तो आपको 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट मैक्स टू मैक्स उसमें आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखो क्लासिकल कैसे ट्रेड लिया जाता है आपको। फिर यहाँ पे देखो बैक टू बैक 5 कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन, पहले ग्रीन, पहले मीन्स पहले पुल बैक पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज। ग्रीन आया उसका लो इज माई टारगेट, उसके लो के नीचे बेचना है। उसके बाद थोड़ा टाइम पास किया, नीचे आया सेल, इसके हाई के ऊपर स्टॉप एंड आपका 1:2। यहाँ पे देखो एक दो, हालांकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ज्यादा अप मूव नहीं है, ट्रेंड नहीं है, छोटा ट्रेंड, बट प्राइस इज अंडर स्ट्रेस। प्राइस इज अंडर स्ट्रेस मीन्स
अंडर सेलिंग प्रेशर। कैसे? यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, दैट मींस मार्केट इज लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ढूंढने का आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट द राइट सेटअप। राइट सेटअप के लिए ये है, देखो ये राइट सेटअप। क्यों? यहां से ऊपर गया फिर आगे आया, तो ये सेटअप के लिए मैं दिखा रहा हूं। मींस ऊपर गया, पहले रेट पे बेचना नहीं है, फिर ग्रीन। अब बोलोगे यहाँ पे ग्रीन, ये एक डोजी कैंडल है, डोजी हो या लोजी हो कुछ भी हो, कलर इज ग्रीन। इसके लो के नीचे से ये स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप एंड वन स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे एक शार्प फॉल, पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना, रेड कैंडल, रेड कैंडल के ये वाला रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना था, ये वाला रेड कैंडल के ऊपर जो हुआ है, एंड बाद में सब्सिक्वेंटली स्टॉप आउट हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये कब आया, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, 10 to 10:30 का, यानी 11:30 को मार्केट क्लोज होने लगा। ऑन द वर्ज ऑफ दैट ट्रेडिंग डे आप चाहो तो ट्रेड को नहीं ले सकते भाई, जैसे आपने ले भी लिया तो टेक्निकली आपका स्टॉप आउट हो गया। फिर टेक्निकली स्टॉप आउट हो गया, फिर आप ढूंढ नेक्स्ट बैक टू बैक 5 रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल। ये जो पहले बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल आया यहाँ पे, यहाँ पे आपको बाई नहीं करना, वो इंतजार करना है कि रेड का, रेड का लो जैसे ही टूटा, सॉरी हाई जैसे ही टूटा ऊपर की तरफ बाई। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस एंड 1:2 यहाँ पे, हालांकि ज्यादा ही कुछ है, जो भी हो हमारा टारगेट 1:1.5 या 1:2 पहले पहले निकल जाएगा। पहला वाला यहाँ पे ये वाला ट्रेड स्टॉप आउट किया एंड ये वाला ट्रेड टारगेट दिया। व्हाई आई एम शोइंग, क्योंकि कुछ आप बी रेडी फॉर लॉसेस आल्सो, जो सेटअप है उसमें लॉस भी देगा। तो आपको अगर लगेगा कि ऐसा एक होली ग्रेल है, होली ग्रेल जो अगर मिल जाए तो लॉस का कभी भी नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो ये धोखा है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जिसमें ऑलवेज प्रॉफिट देगा। कोई अगर बता बोलता है तो आप भाग जाते। यहाँ पे देखो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप गया, हाँ यहाँ पे आपका एक हुआ, एक स्टॉप आउट हुआ, देखो आपका स्टॉप आउट हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लॉस मेकिंग सेटअप डिस्कस करने के टाइम पे अगर लॉस वाला भी मिलता है। क्यों अच्छा लगता है? सो डेट आप जब इस सेटअप को देखोगे ना, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाता जाऊंगा ना, एंड यू विल बी बाइंस्ड। यहाँ पे एक लॉट बेचने के जगह पे आप 50 लॉट बेच दो, 100 लॉट बेच दो, अरे ये तो होली ग्रेल है, ये प्रॉफिट देगा है। अल्टीमेटली 5,000 10,000 लॉस के जगह पे आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख लॉस करके बैठे। इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑन द सिस्टम, आई मीन आई रिपीट, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने स्टॉप लॉस के अंदर में ही काम कर, क्योंकि मार्केट कोई भरोसा नहीं है देगा या नहीं देगा। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको ग्रीन 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 रेड फिर ग्रीन, ये 2 ग्रीन के बाद इसके लो के नीचे आपका सेल, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ दिया 1:1 का टाइप का दिया है और स्टॉप आउट। ये सेटअप को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो आपको 4-5 स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं काफी रिलेटेड है, एक से एक रिलेटेड है। आप जैसे जैसे मास्टरी करोगे तो टपाटप आपका आएगा ट्रेडिंग। यहाँ पे देखो ये वाला, ये ग्रीन पे नहीं लेना है, रेड आया फिर ग्रीन आया, ग्रीन के नीचे
कौन सा ग्रीन? ये वाला ग्रीन के नीचे, ये 1:1 टाइप का या 1:1.5 का कुछ टारगेट दिया है। अभी देखो डॉलर रुपए में डेली चार्ट में एक दिखाता हूँ, आप बोलो क्या दिख रहा है। सर योर टेस्ट, मतलब यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ग्रीन इसके लो के नीचे सेल आता है या नहीं आता है? इसपे मुझे ये क्या क्या करना क्या होगा इसमें यहाँ पे। ना आपका एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ओके कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ये क्लियर कट है या नहीं है। पहले आपको तो आंख को सही करना है ना, अर्जुन की तरह, वो जो अर्जुन जो मछली के आंख को ढूंढ रहा था कौन सा स्पॉट कर रहा था, भीम क्या कर रहा था, आजू बाजू आम का पका हुआ आम, कच्चा हुआ आम, ये वो सब कुछ देख रहा था भीम, क्योंकि वो खाने का था उसका, इसीलिए वो हिट भी कर नहीं पाया। लेकिन अर्जुन ने मछली का आंख देखा था, सॉरी पंछी का आंख को देखा था, नॉट मछली, मछली तो वो दूसरा था पंछी के आंख को देखा था अर्जुन ने, तभी जाके उसको हिट कर पाया ऑन द स्पॉट, ये मिला। यहाँ पर भी एक है जो आपका स्टॉप आउट, ये देखो ग्रीन 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 ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, दो बैक टू बैक ग्रीन, इसके लो के नीचे बेचना है, बेचा एंड स्टॉप आउट, बट सेटअप इज सेटअप। अभी निफ्टी में कुछ देख लेते हैं एंड पैकअप करते हैं। पहले 15 मिनट में स्पॉट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो एस पर द सिस्टम, हालांकि ये काफी नीचे आ चुका है, देखा ये वाला, ओके अंडरस्टूड। हालांकि ये काफी नीचे आ चुका है, इसको अगर 15 मिनट नीचे वर्क की जगह पे अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में शायद हमको मिल सकता है। अभी देखो वहां पे देखना है, मैं जगह बता देता हूं, आप देखो एकदम रसगुल्ला है या नहीं है। आ रहा रसगुल्ला है तो है इसके लो के नीचे सेलिंग, इसके हाई के ऊपर सेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस गलत आ गया एंड टारगेट दिया, इसका। हाँ ये बना होगा। रसगुल्ला एकदम चमचम तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक अप ट्रेंड देखना है, बट आई स्पेसिफिकली स्ट्रेस ऑन बी रेडी फॉर लॉसेस आल्सो, क्योंकि आपके दिमाग में लॉस भी हो सकता है, वो अगर रहेगा तो आप कैलकुलेट करके पोजीशन लेंगे, नहीं तो आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बताओ यहाँ पे दिख रहा है या नहीं? ये जो सर्कल है ब्लैक कलर का सर्कल मैंने किया, हाँ क्या हुआ? बेसिकली एक अप मूव था, पहला रेड कैंडल बेचना नहीं है, फिर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के लो के नीचे गया नहीं बंदा,
ये जो ग्रीन कैंडल बनाया इसके लोग के नीचे गया नहीं बंदा, उल्टा ऊपर चला गया, सो यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। फिर दो कैंडल गया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया। हमें जब भी एक अप्रूव के बाद एक रेड मिलेगा तो हमें इंतजार करना है एक रेड का, सॉरी ग्रीन का, उसके लोग के नीचे हमें बंदूक लेके तैयार हो। अभी देखो क्लियर हुआ या नहीं, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था लेकिन आया नहीं। यहाँ पे जब था हम तैयार थे बंदूक लेकर गोली मारने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर ऊपर आ गया ये ग्रीन कैंडल, जैसे ही आया 2:25 से 5 मिनट का, 2:30 का, फिर बंदूक लेके तैयार एंड नीचे। उसके राइट में कुछ दिख रहा है क्या आपको, ये जो सर्कल है उसके राइट में, ये साइड में नेक्स्ट डे कुछ दिख रहा है क्या आपको? एक ये लंबा ग्रीन दिख रहा है फिर से। हाँ दिख रहा है? मतलब ये सेम, हाँ ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। वही है क्या आप, मैं जो दिखा रहा हूँ वही आप देख रहे थे या दूसरा कुछ देख रहे थे? हाँ नहीं बराबर, मैं वही देख रहा था। करेक्ट, सो यू हैव स्पॉट। अच्छा, दैट मीन द केस यहाँ पे बाइंग का W कुछ दिख रहा है क्या उसके बाद? उसके बाद वो फिर से ये डिप आया। W दिख रहा है यहाँ पे, नीचे आया हाँ वही ग्रीन, पहले ग्रीन पे बाई नहीं करना, हाँ फिर रेड, और रेड के बाद इस रेड के हाई के ऊपर बाई एंड इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस। प्लस। देखा, बैक टू बैक, यस बैक टू बैक दो। हालांकि यहाँ पे बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल नहीं है, लेकिन एक जो ग्रीन कैंडल है वो 4 के बराबर यहाँ पे दिख रहा है, चमचम। क्लियर? कैन यू यस स्पॉट टीचर इट? क्लियर। दैट इज माय क्वेश्चन। आपको दिखाना नहीं कि कितना दम है, नहीं है, कैन यू स्पॉट इट? कैन यू स्पॉट इट? यहाँ पे यस कुछ, वो यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहा है कैंडल, क्या? हाँ ये मतलब वो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? हालांकि इतना अपूर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? वहाँ पे हल्का सा है, ज्यादा नहीं है सेटअप। हाँ, लेकिन सेटअप है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सेटअप। उसके बाद सेटअप के बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा सेटअप में लेना है और कौन सा सेटअप को इग्नोर करना है। यानी आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, अला कार्ट में चिकन का या मच्छी का डिफरेंट वेराइटी से, चिली चिकन का, चाइनीज चिकन, चिली चिकन, ये चिकन, वो चिकन, आप क्या हर एक ऑर्डर करते हो या आपको उस मोमेंट में जो खाने का मन करता है उसको ऑर्डर करते हो? उसी सिमिलरली यहाँ मोमेंट पे, पे जो खाने का मन करता है वो करता हाँ सिमिलरली यहाँ पे आपको डिसाइड करना है किसको लेना है या किसको नहीं लेना है, किसको खाना है या किसको खाना नहीं। क्या यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है? ये वाला मतलब। वो सिमिलर लाइंस में ही वो बन रहा है एक तो स्टेज। W मिला या नहीं मिला? W नहीं दादा, मुझे समझ में नहीं आ रही ये जगह का। नहीं आ W रहा है? चलो ठीक है, आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। अच्छा, M समझ में आता है? उल्टा वाला सेलिंग के लिए समझ में आ रहा है? ये वाला पकड़ने में इजी है या ये वाला पकड़ने में इजी? एम को ऊपर वाला आइडेंटिफाई करने में इजी है या W को आइडेंटिफाई करने में इजी है? M को कभी कभार किसी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, लेकिन W को भी थोड़ा सा इजी है अच्छा, रादर देन डी एम। तो कोई बात नहीं, ये राइट में क्लिक कर, उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, अब बोलो जो आपको अच्छा अच्छा लगता है उसी को पकड़ो बस। वो जो आंखों का डॉक्टर बोलते हैं चश्मा पावर देखने के टाइम में ना, वो पावर चेंज करके ये ग्लास में अच्छा लगता है या ये ग्लास में अच्छा लगता है? अच्छा, अभी इसमें अच्छा लगता है या इसमें अच्छा लगता है? मैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बन गया। अल्टीमेटली आपको स्पॉट करना है, उल्टा करना है तो कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ पे रेड बोले तो बी आर, ग्रीन बोले तो उसका मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू डिफरेंट इन अ डिफरेंट सेशन, लेकिन श्योर है या नहीं है तो आपको हाँ क्या वो तो करना, समझ राइट में आ क्लिक, गया। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा और फायर्स में मिलेगा, शायद जीरोधा में है नहीं, उल्टा कर देगा। ये ट्रेडिंग व्यू फ्री प्लेटफॉर्म से आराम से मिल, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है क्या? और यहाँ पे कैन यू स्पॉट इट? और जो पहला वाला आपने सर्कल बनाया उस पे ये आ रहा है, अभी ये W आ रहा यहाँ पे डब्ल्यू किधर है। है? ये वाला सॉरी जहाँ पे सॉरी सॉरी, सर्कल बना है, W यहाँ पे डब्ल्यू किधर है? आई एम लुकिंग फॉर एम। नहीं नहीं ये W, क्या बाबा उल्टा W बोल, आपका वो जो जो सेकेंड वाला जो आपने बनाया उसमें आ रहा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे है। कहाँ हाँ पे आ रहा है? मतलब हाँ उस सेक्शन में आएगा। अरे हाँ ये बाबा, सेकेंड वाले। नहीं, देखो प्राइस ऊपर गया तो अभी आपको डब्ल्यू ढूंढना है या एम ढूंढना है? अच्छा हाँ प्राइस ऊपर गया देन वी हैव टू सर्च फॉर एम। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया या नीचे गया तो ऊपर गया आपको डब्ल्यू ढूंढना है या एम ढूंढना है? एम ढूंढ रहे हैं तो एम एम आपको कहाँ पे, देखो बेसिकली क्या है, एम और डब्ल्यू भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? एक अप मूव आया, वन सेकेंड आई रिपीट, एक अप मूव आया, उसके बाद रेड आया, एक रेड हो या दो पांच रेड हो कैंडल्स, उसमें नहीं बेचना है। यानी यहाँ पे एक अप मूव आया, फिर रेड कैंडल्स, एक रेड हो या दो चार रेड कैंडल्स, उसमें नहीं बेचना है। उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, ये एक डोजी कैंडल है, इसके लो के नीचे आपको बेचना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से ऊपर तक गया, अभी कैसे गया उसको देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रिप्ले मोड में डालता हूं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं। ये रिप्ले मोड में, ठीक है, ये हो गया आपका 5 मिनट का कैंडल। हम उस टाइम पे चले गए हैं, 7 अगस्त 12:30। ओके, अभी हम स्लोली इसको रिप्ले करेंगे। यहाँ पे क्या आया? रेड कैंडल आया ना, यानी हमें ग्रीन कैंडल का इंतजार है। रेड आने के बाद बैक टू बैक कितना कैंडल आया? 5 ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद रेड आया। सेलिंग के लिए हमें पहले ग्रीन कैंडल चाहिए, जो ग्रीन कैंडल आ गया अभी इसके नीचे जाएगा तो हमें बेचने के लिए तैयार होना है, एंड यहाँ पे जो हाई होगा इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बराबर। अभी मार्केट आएगा नहीं आएगा, आने के बाद क्या स्टॉप आउट करेगा या प्रॉफिट देगा, हमें कुछ पता नहीं। तो फिर रिपीट करते हैं, यहाँ पे आप देखो ये निगेट हो गया, फिर रेड कैंडल, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, फिर रेड आया, यानी उसके लो के नीचे, यानी ये वाला कैंडल के नीचे अभी टारगेट है हमारा, कौन सा वाला? 7 अगस्त। लेकिन वहां पर भी नहीं आया, फिर रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद हमें ग्रीन ढूंढना है। दैट मीन द केस ये ग्रीन कैंडल आया, इसके लो के नीचे हमें बेचना है, लेकिन क्या आया? नहीं आया, ये ऊपर चलता गया। ऊपर जब चलता गया फिर एक रेड चाहिए, देन ग्रीन चाहिए। ये रेड कैंडल आया, यहाँ पे हमें नहीं बेचना है, हमें यहाँ पे एम ढूंढना है या डब्ल्यू ढूंढना है? अभी हमको यहाँ पे एम ढूंढना है। करेक्ट, एम बोले तो
रेड के बाद अगर एम और डब्ल्यू में कॉन्फ्यूजन होता है, हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो रेड कैंडल पे नहीं बेचना है अभी, हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद उस ग्रीन के लो के नीचे हमें बेचने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, बराबर, समथिंग लाइक दिस। इन सच ए केस हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा, क्लियर। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, मूव करते हैं। सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, अभी इस ग्रीन के लो के नीचे हमें सेलिंग, ये आ गया, ट्रिगर हो गया। ये ट्रिगर हुआ तो इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, एंड देखते हैं। ये कट हो गया, बेसिकली ये नेक्स्ट डे था, यानी हमने यहाँ पे बेचा और यहाँ पे क्लोज हो गया 325, उसके बाद वाले दिन हमें स्टॉप आउट हो गया। अगर सेम डे में क्लोज करते थे ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे में हमारा स्टॉप आउट हो गया टेक्निकली, क्लियर। अभी आपको क्लियर बैठ के प्रैक्टिस करना है, बैठ के आपको इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको लाइव मार्केट में प्लिक प्लक क्लिक प्लक करता है ना, तब कलेजा धड़कन धड़कता रहता है, उसको उसके ऊपर काम करना, नॉट ऑन द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज ओनली 5 to 10%, बाकी 90% साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, वो जो डिग डग करता है ना उसको। तो अभी के लिए इतना, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न में शॉर्टली इसको अपलोड कर दूंगा, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो घर पे, फिर मैं RSI 3 को क्लब कर रहा हूँ, RSI 3 को क्लब करके फिर उसके साथ इसको, इस स्ट्रेटेजी को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चलो भाई। बाय बाय।